हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। छठ की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी छठ मनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। ये देखिए कहाँ की बस है, दिल्ली की बस। जो दिल्ली में रहता है वो पहचान जाएगा कि कहाँ की बस है, ये दिल्ली की है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज खरना का दिन है, छठ का दूसरा दिन। कल खाना हान था, कल खाना हान के दिन मैं यहाँ आ गई थी और आज खरना का दिन है जो कि आज व्रत है हम लोगों का। तो आज देखिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। मैं अपनी मम्मी के यहाँ से छठ का व्रत उठा रही हूँ ना। पहला दिन पहला है ना छठ का, मेरा शुरुआत का है। मम्मी पापा के यहाँ से ही उठाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे मम्मी पापा ने कितना अच्छा ये वो बना रखे हैं, गार्डन लगा रखे हैं। ये देखिए होम गार्डन, कितनी अच्छी खेती कर रखे हैं सब। मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ के पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए पहले नंबर पे अड़हुल का पौधा फूल। तो गाइस देखिए, हमारे यहाँ ना छठ करने की ना सुविधा नहीं थी, तो मेरे पापा ने ना छत पे ही छठ छठी मैया की मूर्ति बना ली है। और ये मेरा बेटा अमन और उसकी नानी और नाना हेल्प कर रहे हैं, और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और ये लोग छठी मैया बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना बहुत दिक्कत हो रही थी, हर जगह पानी भर गया था। बारिश हुई थी तो सारे जगह पानी भर गया था, वो पानी सूख नहीं रहा था खेतों में का, जहाँ भी छठी मैया होता था। तो इसलिए मेरे पापा ने ऊपर ही छत पे बना दी, तैयारी कर दी। मेरे बेटे का हाथ कट गया, वो कह रहा मम्मी मेरा हाथ कट गया है, इसमें कांच वाच थी मिट्टी में, तो छठी मैया बनाते बनाते ये शाम को हमने खरने की तैयारी की है। खरने में पूरे दिन व्रत रहना पड़ता है और शाम को हमारे में खीर खीर रसियाओ रोटी खाते हैं। रसियाओ खीर को कहते हैं, तो गुड़ की बनती है खीर, तो मम्मी ने दूध की बना ली। वैसे तो गुड़ शुभ माना जाता है, तो मम्मी ने दूध भी डाल के बनाई थी। तो फिर और ये हमने पूजा पाठ करके यहाँ पे जो भी खाते हैं यही खाना होता है, यही खा के फिर अगले दिन फिर व्रत रहना पड़ता है अगले दिन से अगले दिन तक। और मैं तो बहुत, मुझे तो बहुत पहली बार की थी ना व्रत, तो मेरे को थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो गई थी। भूख प्यास बहुत लग रही थी कि मेरा चेहरा कैसा उतर गया है, काला काला पड़ गया है। और फिर हमने खरना के दिन पूरे दिन उपवास रखना है, शाम को यही खीर रोटी खानी होती है, उसी टाइम बैठ के वहीं पे पूजा पाठ करके वहीं पानी पानी नहीं पी लेना होता है। और तो मैं यही रोटी खाई, खीर रोटी खा। तो गाइस ये देखिए हमारे खरने का प्रसाद है रसिया और रोटी, यही खा के हमें अगले दिन तक व्रत में रहना होता है निर्जल, और उससे अगले दिन तक रहना होता है। सुबह जाके हमारा व्रत टूटता है जब तक सूर्य देवता को अर्घ ना दे। तो ये मेरी मम्मी, हम लोग, मेरी मम्मी का भी चेहरा उतर गया था। तो गाइस ये देखिए खरने के अगले दिन सुबह जल्दी हम लोग उठ के हम छठे मैया का प्रसाद बनाने की तैयारी करने लग गए थे। इसमें ठेकुआ, खास्टा, पूड़ी, ये सब मैं जल्दी उठ के हम लोग नहा धो के फटाफट प्रसाद बनाने की तैयारी में लग गए थे हम लोग, मैं और मेरी मम्मी। छठी मैया का प्रसाद चूल्हे पे बनाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शहर में यहाँ पे जल्दी चूल्हे पे कहाँ बना पाएंगे। यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पे गांव में बड़े बड़े आंगन होते हैं, तो वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे जल्दी कोई नहीं बनाता है। ये हम लोग शाम को तैयार होके मम्मी मेरी छठी मैया के पास आ गई और मैं भी तैयार हो रही थी। और ये मेरी मम्मी पूजा वूजा का सामान कहीं घाट पे जाना। ये मम्मी मेरी सूर्य देवता को शाम के टाइम अर्घ दे रहे थे।
यानी सूर्य देवता को ये सूप से जल चढ़ाते हैं, सूप और ये फल फ्रूट्स के इससे सूप से ही जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं। और मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, मम्मी को देख के ही मैं सीख रही थी, मेरे को नहीं आता था, मम्मी मेरे को बता रही थी कैसे करना है कैसे नहीं। तो फिर मैं अर्घ दी सूर्य देवता को, मम्मी ने जैसे जैसे मेरे को बताई थी वैसे वैसे मैंने की। ये मम्मी ने मेरे को साड़ी कपड़े दी थी, मम्मी से ही पहले बार उठाई ना छठ, तो मम्मी ने मेरे को कपड़े उपड़े सब पहनाई नहीं थी, सारा सेट सब कुछ, दो साड़ी और एक सूट और ये सब सारे ज्वेलरी वेलरी भी मम्मी ने दिलाई थी, मेकअप का सामान भी सब, और सारा सामान यहाँ का जो भी फल फ्रूट जो भी लगता है। ये मेरे पैरों के रंग छूटने लग गए, पैरों में अलता लगाए थे, सारे रंग छूटने लगे, पानी लाल हो गया। सारी पूजा विधि के बाद इस छठी मैया पर अक्षत का छिड़काव करते हैं, जो कि कच्चा चना फुला के और कच्चा चावल होता है अरवा चावल से भिगो कर रखते हैं और छठी मैया पर ये फेंकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है, घर पे ही बनाया जाता है वो, और इसे छठी मैया पर हाथ जोड़ के पूजा करके फेंकते हैं छठी मैया पे। तो ये मेरे पापा हैं और ये मेरा बेटा है। सुगावा के जानी कोई मारो, सुगा होंगे राखा मतलब लेके ना इसे इतना मत मैं गिरा कोई ना सुगा होंगे कर ले राखा। जय माता जी, जय माता जी, रुक बलाई माता जी ले जा और क्या सुगा के जानी कोई मारो ये हम लोग छठ पूजा करने के बाद शाम के टाइम कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोसी जो छठ पूजा करता है उसको कोसी भरना पड़ता है, और मेरा तो पहला छठ व्रत है,
तो मम्मी ने मुझे भरना पड़ा था कोसी। कोसी बिना छठ पूजा पूरा नहीं होता है। कोसी गन्ने के बीचों बीच दिया और उसमें फल फ्रूट भर के पूजा होती है। ये मॉर्निंग की छठ पूजा है सुबह की। ये मेरी मम्मी काजल पका रही है। काजल बहुत शुभ माना जाता है छठ मैया का, गन्ने में पकाते हैं। और ये मेरे बहन का बेटा आया है, खेल रहा है। तो ये हमने सुबह के टाइम सूर्य देवता को अर्घ दिए दूध से। ये मेरे पापा दूध चढ़ा रहे हैं और ये हम लोगों ने सूर्य देवता को अर्घ दिए। सूर्य देवता भी लेट निकले थे, 7 बज गया था और हम लोग 4 बजे के ही जगे थे। 4 बजे से आके बैठे थे, बहुत देर बैठे बैठे फिर सूर्य देवता निकले, ये हमारा अर्घ फिर हमने दिए। मम्मी के यहाँ पे इसमें आंचल में देते हैं अर्घ। अब मेरे ससुराल में पता नहीं कैसा होता है, मेरे ससुराल में तो वैसे ही देते हैं सूप में। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, मम्मी के छठ पूजा खत्म होने के बाद मैंने सबके पैर छुए। मेरे बेटे ने अपने पापा के पैर छुए, मेरे पैर इधर देखा, इधर रुक जाओ। पापा के वीडियो बना देखो देखो।